हाले कोई कन्वे नहीं सानू कर सकता, पर असं चाहते हैं भी गलबात थानी जिहड़ा आ इहदा कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि 33 साल आ बेचारा गुरदीप सिंह खाड़ा तो 34 साल शुरू हो गए, भुल अपने सरदार दविंदर पाल भुलर 29वां साल शुरू हो गया, इन्हों 28-28 साल हो गए, हवारा साहब न 27-28 साल हो गए, तो सारे भाई अवतार तारे भाई प्योरे तो इन्ह सारे मैं तो समझना है भाई ये सानू तो आप नहीं समझ लगती, जेडे बाहरले लोग है वो कह भाई टेलीफोना से सानू पुछते हैं ह्यूमन राइट्स वाले भेमें भी होंगी थोड़े मुल्क के, मैं ये भी थानू दर्शा सकता मैं पुलिस वाले जेडे लाइफ इमरजमेंट हुई चार साल बाद छड़ दते, बहुत सारे आ जेडे इन्हां दी सरकारां दे गवर्नर ने उन्होंने पार्डन की आ। सो गुरु साहब कृपा करन देश दे होम मिनिस्टर आ उन्होंने सारे मुल्क का देखना, सो इस करके इवें कोई हाल से जिहड़ी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। एक राजोणा साहब वाले उन्होंने कहा बिट्टू ने भी MP दी इलेक्शन लड़दे हुए जी, वो तो देखो जी गल है मैं वो बारे तो कहना कोई नहीं, तो इदा लगता भी जिदा वो अपनी सुरती बिरती गवा बैठा, उन्होंने तो मेरा ख्याल रात को भी सुते पैन राजोआने के तो श्रोमणी कमेटी के ही सुपने आते होने, वो अपना जतन कर राजोआना साहब ने तो कहा नहीं भी मैं राजनीतिक बंदा तो ये अपन रोटियां सेक रहा भी मैं वोटा कि कट्ठिया कर MP का मुड़ सुपना अधूरा भी शायद रह जाए वो पूरा कर ले सारा कुछ खेल रचा जा रहा, मैं वो बारे कोई बाला नहीं कहना चाहता भी की करना, क्योंकि राजोआना तो पोलीटल पार्टी का नुमाइंदा थोड़ो वा, सो इस करके कोई भी जो लफ्ज बोलना वो ढंग न बोलना चाहिए। सिखा की दिहाई का गल पहुंची हुई कि मसला चलो ये हम अभी तुरे वहाँ अकाल तख्त ने कमेटी बनाई है, हम देखते हैं लैट पर सम टाइम पर निकलता रही सजा की पछतावा ही नहीं है तो फिर माफ़ी कहती दी है। देखो दो बेनती आ, एक तो श्री अकाल तख्त साहब ने 5 मैंबरी कमेटी बनाई है, उस पांच मैंबरी कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी सी, सानू हुण रिप्लाई ये आया भी तुसीं होम मिनिस्टर दे नाल संपर्क करो, पर मैं समझदा होम मिनिस्टर का जिस भाषा के पार्लीमेंट के विच बोलना वो ठीक नहीं सी, क्योंकि जे मैं इत्थे हुण अज दी गल कर लवां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तो मुसलमान भी गल ना लाए, सतगुरु जी ने पंडतां नूं भी नाल लाया, पवित्र गुरबाणी दे विच सिख ने तो सवेरे उठ के नवाज नहीं अदा करनी, तो सतगुरु जी ने शेख फरीद की गुरबाणी अंकित की, तो वह सिख नूं तो आदेश नहीं नवाजदा तो आदेश तो मुसलमान नूं आ, एक कंसैप्ट जिहड़ा सांझी बालता भाईचारिक दा सीगा इहनूं शुरू तो जतन हुंदा रहा भी इहनूं तोड़ विछोड़ा करिए, पर मैं समझदा हाँ हर एक इस देश के नागरिक का हाल एक हक आ, तो मैं पुछदा भी जिहड़े आ बाकी छड्डे मतलब माफिया मंग के गए आ किसी ने एक कोई गल की आ, सो मेरा कहने तो भाव मैं हुण क्योंकि एट द स्टेज को बोलना नहीं चाहता, असीं जतन करांगे गलबात राही कोई हल हो जाए, जे गलबात गुरु साहब कृपा करन सारयां नूं समत आवे वो साडी जिहड़ी गल चल सिरे चढ़ जाए, कि दो गल्लां आ असीं इंसाफ मंगदे हां असीं भीख नहीं मंगदे, कोई दिक्कत नहीं मैं राजोआना साहब नाल 2 मीटिंगां कर आई हां, वो फिर जेल्ले मीटिंगां उन्हां नाल हो जाणियां उदों बाद फिर दसांगे की कहानी आ, उत्तों कहण तों भाव भी जो राजोआना साहब ने भी अपनियां फीलिंग कन्वे कीतियां वो मैं एट द स्टेज हाले कोई कन्वे नहीं सानू कर सकता, पर असीं चाहते हैं भी गलबात थानी जिहड़ा आ कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि 33 साल आ बेचारा गुरदीप सिंह खाड़ा तो 34 साल शुरू हो गए, भुल अपने सरदार दविंदर पाल भुलर 29वां साल शुरू हो गया, इन्हों 28-28 साल हो गए, हवारा साहब न 27-28 साल हो गए, तो सारे भाई अवतार तारे भाई प्योरे तो इन्ह सारे मैं तो समझना है भाई ये सानू तो आप नहीं समझ लगती, जेडे बाहरले लोग है वो कह भाई टेलीफोना से सानू पुछते हैं ह्यूमन राइट्स वाले भेमें भी होंगी थोड़े मुल्क के, मैं ये भी थानू दर्शा सकता मैं पुलिस वाले जेडे लाइफ इमरजमेंट हुई चार साल बाद छड़ दते, बहुत सारे आ जेडे इन्हां दी सरकारां दे गवर्नर ने उन्होंने पार्डन की आ। सो गुरु साहब कृपा करन देश दे होम मिनिस्टर आ उन्होंने सारे मुल्क का देखना, सो इस करके इवें कोई हादसे जिहड़ी भाषा नहीं बोलनी चाहिए।